किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली रेडविल्स को एक लो स्कोरिंग मैच में मात दे दी। इस मैच में पंजाब की टीम ने सिर्फ 143 रन बनाए थे, मगर दिल्ली की टीम इस लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली इस मैच में कहीं नहीं थी। असल में पूरे मैच के दौरान तो दिल्ली की टीम ही मैच में छाई रही, बस आखिर के दो ओवर में पंजाब ने बाजी पलट दी। और पंजाब की इस पलटी हुई बाजी के हीरो थे युवराज सिंह। जी हाँ, वही युवराज सिंह जिनकी परफॉर्मेंस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। मगर यूवी ने यहां अपने बल्ले या फिर बॉल से नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से दिल्ली की टीम को मात दे दी। दिल्ली की टीम को आखिरी दो ओवर यानी 12 बॉल में 21 रन की जरूरत थी। T20 गेम के लिहाज से यह बेहद आसान लक्ष्य था। पंजाब की टीम में एंड्रयू टाई, अंकित राजपूत और अश्विन के ओवर का कोटा खत्म हो चुका था और बरिंदर सरान और मुजीब जादरान के एक एक ओवर बचे हुए थे। अब यहीं पर यूवी ने मोर्चा संभाल लिया। यूवी ने अचानक कप्तानी की कमान अपने हाथ में ले ली और 19वां ओवर सभी को चौंकाते हुए वरिंदर सरान को दे दिया। यूवी ने यहां पर एक बहुत बड़ा जुआ खेला था, लेकिन युवराज सरान को बेहद करीब से जानते हैं क्योंकि दोनों ही घरेलू मैच भी पंजाब की टीम से खेलते हैं। ऐसे में सरान ने भी यूवी की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरते हुए इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और एक विकेट भी ले लिया और आखिरी ओवर के लिए 17 रन छोड़ दिए। श्रेयस अय्यर इस ओवर में कुछ भी खास नहीं कर पाए, बस यहीं पर पंजाब की जीत की स्क्रिप्ट लिख ली गई। आखिरी ओवर मुजीब जादरान ने किया और मुजीब ने इस ओवर में सिर्फ 12 ही रन दिए और एक बेहद रोमांचक मैच में पंजाब ने दिल्ली को मात दे दी। पंजाब की इस जीत के लिए यूवी का वो फैसला बड़ा साबित हुआ जिसमें सरान को 20वां ओवर से पहले यानी 19वें ओवर में बॉल थमा दी गई और मुजीब को आखिरी ओवर करने को दिया गया। फ्लेमिया रिपोर्ट।